नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अश्विन अमावस्या 2023 कब है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब है। हरि प्रेमियों, अमावस्या का दिन हिंदू कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और अश्विन मास में तो खास ही, क्योंकि कई अनुष्ठान केवल अमावस्या अक्टूबर 2023 को ही किए जाते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 2023 में पितृपक्ष में अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। अमावस्या का दिन काल सर्प दोष पूजा करने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। अमावस्या को अमावस्या या अमावस्या के रूप में भी लिखा और बोला जाता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितृ पक्ष का समापन हो जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान और पूजा का बहुत महत्व होता है। हमारी मान्यता है कि अमावस्या के दिन माँ गंगा में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ गंगा की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से पितर तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस बार अश्विन अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर 2023 को रात 9:50 से आरंभ हो जाएगी और 14 अक्टूबर 2023 को रात को 11:24 तक रहेगी। अमावस्या के दिन सुबह भक्त को जल्दी उठ जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और भक्त को इस दिन भगवान शिव या भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अमावस्या का व्रत की कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इस दिन पूरा दिन व्रत रखे जिसमें कुछ भी नहीं खाना होता है और नहा धोकर पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए और दान करना चाहिए जिससे पितृ मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।